अस्सलाम वालेकुम क्लास. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व आवर एक्सरसाइज नंबर 4. ऐड द रोमन न्यूमरल. ठीक है, पहले तो हमने अरबिक से रोमन न्यूमरल में राइट करना सीखा था, अब हमने रोमन न्यूमरल को ऐड करना है. ठीक है, तो ऐड हमने किस तरह से करना है. ट्रिपल आई किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को. ठीक है, प्लस का साइन हम डालेंगे. अब वी डबल आई किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 को. तो जब हम 3 में 7 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10. ठीक है, तो 10 के लिए रोमन न्यूमरल में हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स. सो आर आंसर इज़ एक्स. ठीक है, इसी तरह हमने आई वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को. प्लस डबल आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को. जब 4 में हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6. ठीक है, तो 6 के लिए हम रोमन न्यूमरल क्या यूज़ करते हैं, वी आई. ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा वी आई. इसी तरह हम यहाँ पे डबल आई को देखेंगे, डबल आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2 को. और ऐड करना है हमने इसमें वी. वी किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को. तो जब हम 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7. और 7 को हम रोमन न्यूमरल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी डबल आई. ठीक है, इस तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ट्रिपल आई है, ट्रिपल आई के लिए हम यूज़ करते हैं 3 रिप्रेजेंट करने के लिए. प्लस का साइन हमने मेंशन किया है. वी आई के लिए हम यूज़ करते हैं 6. अब हमने 6 में ऐड करने हैं 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 9. 6 में 3 ऐड कर रहे हैं तो आंसर इज 9. 9 को हम रोमन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई एक्स. ठीक है, 9 के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आई एक्स. अब यहाँ पे भी आया है, यहाँ पर भी आया है, तो हम आई के लिए 1 को यूज़ करते हैं. प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, सो द आंसर इज डबल आई. नाउ आई वी है, आई वी रिप्रेजेंट करता है 4 एंड प्लस 4 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8. 8 को हम रोमन में किस तरह से लिखते हैं, वी ट्रिपल आई. ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पर ट्रिपल आई है, ट्रिपल आई के लिए हम 3 को यूज़ करते हैं. 3 में हमने ऐड करना है 3. ठीक है, जब 3 में हम 3 को ऐड करेंगे तो आंसर इज 6. तो 6 को हम रोमन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई. अब वी में हमने वी 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 प्लस 5 10, और 10 को हम रोमन में लिखेंगे x से. ठीक है, अब हमने ix को लिखना है. ix 9 होता है, 9 में हमने ऐड करना है i है, तो i रिप्रेजेंट करता है 1 को. 9 प्लस 1 10, और 10 को रिप्रेजेंट करता है x. ठीक है, सो आंसर इज x. डबल i प्लस i, डबल i 2, i 1, 2 प्लस 1 3, और 3 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल आई. डबल आई 2 प्लस 2, जब 2 में हमने 2 ऐड किए तो आंसर इज 4. 4 के लिए हम यूज़ करते हैं आई वी. ठीक है, इसी तरह जब ट्रिपल आई है तो हमने यहाँ पे 3 राइट किया है, वी है तो हमने यहाँ पर 5 राइट किया है. जब हमने 3 में 5 ऐड किए तो आंसर इज 8. तो 8 के लिए हम यूज़ करते हैं वी ट्रिपल आई. ठीक है, ये हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी नंबर्स में आता है, लेकिन जब हम रोमन न्यूमरल को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर भी हमने रोमन न्यूमरल में ही राइट करना है. ठीक है, ये तो ये जो रोमन न्यूमरल में आए हैं हमारे, ये हमारे आंसर्स हैं. ठीक है, तो इसको हम रोमन न्यूमरल को ऐड करके आंसर भी रोमन में ही राइट करेंगे. आई होप कि आपको समझ आ गया कि हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 को किस तरह से सॉल्व करना है. थैंक यू.